अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मार्सिल। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं टीनेजर जो कि पबजी खेलना चाहते हैं और चाहते हैं एक मिड रेंज के अंदर कौन सा फ़ोन बेटर है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 3 के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे थे, यार अली भाई ये क्या फ़ोन हीट होता है कि नहीं। तो यहाँ मैंने प्ले की है पबजी तकरीबन आधा घंटा, कुछ आधा घंटा 31 मिनट में की है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि रियलमी 3 बैटरी को कितना ड्रेन करता है, हीटअप हमें रियलमी 3 में मिलता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, अगर हम यहाँ गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रियलमी 3 के अंदर आपको हीलियो P60 मिलता है, 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है जिसको मैं ये गेम खेल रहा हूँ और कुछ आधा घंटा गेम खेलेंगे, देखते हैं क्या टेम्परेचर मिलता है। ओके जी, यहाँ है हमारे पास रियलमी 3। इस प्रोसेसर की बात की जाए, हीलियो P60 मिलता है और ये इस रेंज का मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा प्रोसेसर होगा गेमिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर HD रेजोल्यूशन मिलती है, ग्राफिक्स की ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको कम मिलेगी और ये बेंचमार्क जो स्कोर्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्कोर करता है एक मिड रेंजर के हिसाब से हीलियो P60। और यहाँ आपको जो प्रोसेसर मिलता है हीलियो P60 है। और अगर बात की जाए GPU की तो यहाँ आपको जो GPU मिलता है माली G72 MP3 का मिलता है, जो कि मैं ही समझूंगा काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो कि PowerVR ROG 8320 वाला मिल रहा है। यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चेक कर लेते हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो यहाँ 47% है, हीटिंग को भी चेक करेंगे, आधा घंटा कुछ खेलेंगे गेम, स्टॉपवॉच को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ ये आ चुकी है स्टॉपवॉच, स्टार्ट करते हैं। बैटरी परसेंटेज है 47 की और टाइम हो चुका है 12:53। पबजी को ऑन कर लेते हैं और साथ ही टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ AC मेरे पास चल रहा है, टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर 26 का है। फ्रंट साइड पर रियलमी का टेम्परेचर 31 है, 31.5 और फ्रंट पर टोटली एक ही जैसा है। और रियर पर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर 32 का है और अगर नीचे की साइड की बात करें तो कुछ 31 का टेम्परेचर है। अब हम टेम्परेचर को मेजर कर चुके हैं, आधा घंटा खेलेंगे गेम, देखते हैं कि ये फ़ोन बैटरी ड्रेन कितनी करता है और साथ ही बात करेंगे कि क्या हमें इस फ़ोन में हीटिंग मिलती है कि नहीं। ओके जी, यहाँ थोड़ी सी RP ऊपर करने के बाद हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ ग्राफिक्स की बात कर लें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाई के साथ HDR मैक्सिमम ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। कलर फोर पर रख लेते हैं और सेटिंग कुछ रख देते हैं HD वाली। तो यहाँ सेटिंग अप्लाइड हो चुकी है, टेम्परेचर मैं आपको मेजर कर चुका हूँ। गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ कुछ फ्रेम ड्रॉप भी मिलता है कि नहीं। और अगर ब्राइटनेस रेशो की बात की जाए तो यहाँ ब्राइटनेस रेशो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ब्राइटर डिस्प्ले भी मिलता है कि नहीं इस फ़ोन में। अगर बात की जाए यहाँ स्पीकर क्वालिटी की तो यार मुझे इस फ़ोन का स्पीकर क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लाउड लगा, इसलिए मैंने जो वॉइस है इसमें मैंने थोड़ी सी म्यूट कर दी। और अगर फ्रेम्स की बात की जाए तो फ्रेम्स हमें प्रॉपर मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल, कोई भी स्टटर या हमें लैग नहीं मिला, हल्का सा फ्रेम ड्रॉप मिलता है थोड़ा सा, लेकिन ऑल ओवर गेम को प्ले करेंगे फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई ही ये फ़ोन एक अच्छा गेमिंग फ़ोन है इस रेंज का। ओके जी, हमारे पास यहाँ कुछ टाइम हुआ है स्टॉप वॉच पर 22 मिनट 55 सेकंड का। और अगर हम यहाँ टेम्परेचर को चेक करें तो यहाँ हमें जो कि रूम टेम्परेचर था वही 25 वाला है हमारे पास और फ्रंट साइड पर 37 का टेम्परेचर मिल रहा है। नॉर्मली हाथों की भी हीट हो सकती है लेकिन थोड़ा सा कम हीट किया। और बैटरी 43% थी, अभी 40% है कुछ 20 मिनट गेम खेलने के बाद। और रियर साइड पर आपको थोड़ा सा टेम्परेचर मिल रहा है जो कि 38 है और रियर साइड पर पहले हमें 31 के राउंड अबाउट कुछ टेम्परेचर मिला था, फ्रंट साइड पर हमें मिला था 32 के राउंड अबाउट। तो यहाँ थोड़ा सा गर्म हुआ है, हम मज़ीद 5-6 मिनट और खेल लेते हैं पबजी को और देखते हैं कि हमें क्या पबजी में चिकन डिनर भी मिलता है कि नहीं। और दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि मज़ीद ये फ़ोन हीट होता है कि नहीं। Through the wastelands, through the...
ये जी हमारा है चिकन डिनर, वेन वेन चिकन डिनर। और यहाँ तकरीबन आधे घंटे का ही मैप होता है एरेंगल का, जैसे कि आप सब खेलते हो और आपको पता होगा। और यहाँ अगर टाइम की बात की जाए तो स्टॉप वॉच पर तकरीबन यहाँ पर वही आधा घंटा हमने गेम खेली है। और अगर आधे घंटे के बाद के टेम्परेचर की बात करें तो फ्रंट साइड 36 पर, और यहाँ भी आपको 33% का मिल रहा है, और यहाँ आपको मिल रहा है रियर साइड पर 36 का एग्जैक्ट जो कि टेम्परेचर है, और 34 का आपको नीचे की साइड पर मिल रहा है। तो यार ये फ़ोन इतना हीट नहीं होता, लेकिन मैं इसी वाले रूम में खेल रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास 22 का टेम्परेचर हो चुका है, इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मल हो। बाकी बैटरी ड्रेन की है इसने कुछ 5%, आधा घंटा में पबजी HD के ऊपर खेलते हुए मुझे यार ग्राफिक्स थोड़े से मुझे नॉर्मल मिले, लैग मिला है गेम में थोड़ा बहुत, स्पेशली जब हम कार ड्राइव करते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि रियलमी इस रेंज के अंदर गेमिंग के लिए रिलायबल डिवाइस हो सकती है। चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये था Realme 3 का बैटरी ड्रेन टेस्ट और टेम्परेचर टेस्ट। नॉर्मली एक इसी रूम में खेल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं हीटिंग मिली, लेकिन हो सकता है कि जब आप वार्म एनवायरनमेंट में खेल रहे हो तो थोड़ा सा आपको हीटिंग ज़्यादा मिले, लेकिन ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और गेमिंग के लिए काफ़ी बेटर है। और अगर आप करना चाह रहे हैं इसी तरह का कुछ छोटी वीडियो वाला बैटरी ड्रेन टेस्ट और टेम्परेचर टेस्ट किसी भी फ़ोन का, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक ही बताएंगे मुझे कि आपको इस तरह की वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है कि नहीं। सो अगली वीडियो तक इजाज़त दें, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से पाकिस्तान, फाइंड द बाद, अल्लाह हाफिज़।